नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। जब साइकिल से टकराने के बाद कार का बोनट टूटा, वायरल फोटो पर ले रहे हैं लोग चुटकी। एक खबर के मुताबिक फोटो देखने के बाद लोग इसके फेक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि घटना शेन जॉन शहर की है। इस हादसे के फोटो और वीडियोस फेक नहीं है। फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, फोटो बिल्कुल सच्ची और सही है। जी हाँ, चलिए अब बताते हैं आपको पूरी खबर। वैसे तो चीन में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे वो सोशल मीडिया पर छाया रहता है, लेकिन इस बार चीन का एक रोचक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल यहाँ एक साइकिल और कार के बीच टक्कर हो गई। इसमें साइकिल को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि कार का बोनट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लोग काफी मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। सबसे खास बात यह है कि साइकिल और कार की टक्कर के बाद कार का हो गया है बुरा हाल, जबकि साइकिल बिल्कुल सही सलामत दिख रही है। टक्कर के बाद कार का बोनट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिख रहा है और लोग इस वायरल फोटो के मजाक उड़ा रहे हैं। आपको बताएं, ये घटना चीन के शेंजेन शहर की है। इस फोटो को देखने के बाद हर कोई साइकिल के बारे में जानने को उत्सुक है। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कार कंपनी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वहीं कुछ लोगों ने इन तस्वीरों को फर्जी और फेक बताया है, लेकिन पुलिस ने पुष्टि कर दी है कि ये फेक फोटोज और वीडियोस फेक नहीं है। पुलिस ने ये भी बताया कि टक्कर से साइकिल सवार को मामूली चोटें आई, लेकिन कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस दुर्घटना में कार सवार सुरक्षित है, लेकिन साइकिल सवार को चोटें आई, लेकिन साइकिल को कुछ नहीं हुआ और कार का बोनट टूट गया। तो अगर आपको ये खबर मजेदार लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।